उन्होंने जो है जो 3 बिलियन डॉलर आए हैं जो कि इसराइल से और इंडिया से और अरब ममालिक से जो आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई तहरीक ऐसी नहीं है जो बाहर के पैसों के बगैर चली हो। जी तो अब ये जो सुपर हार्डनेट जो अमरीकी तैयारे इनको मिले मिलने वाले, अभी तो नहीं मिले हैं ये, लगेगा इसमें 2-3 साल लगेंगे इनको मिलने में। तो 2-3 साल हमारे पास वक्त है हाँ, तो हमारे पास वक्त है, तो और आप काम पहले से हो रहा नहीं होगा। देखिए आप नहीं मालूम नहीं है ये बात, तो अभी उससे पहले जो प्रॉब्लम हमारे पास जो इतलात है वो ये है कि अमेरिका हमला इंडिया हम पे हमला करने जा रहा है। अब ये है कि अमेरिका ने ये कहा है, जब आपने मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने दी एडवांटेज सी जो जो डॉक्ट्रिन ने जारी किया है 19 दिसंबर 2020 को, जिसमें उनके सब लोगों ने हिस्सा लिया है, और उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास हम सी की सुपर पावर हैं, और सी की सुपर पावर इस लिहाज से हैं कि उनके पास 14 बैरी बेड़े हैं जो दुनिया के तमाम चौक पॉइंट पर मौजूद हैं, उनके पास जो तैयारा बरदार जहाज़ हैं जो 14 तैयारा बरदार जहाज़ हैं और 14 बैरी बेड़े हैं, तैयार बरदार तादाद ज़्यादा है, और उसमें वो ये सुपर यानी हार्डनेट जो इस्तेमाल करते हैं तैयारे वो वहाँ से उड़ते हैं, और सुपर हार्डनेट की ये खूबी है कि वो 10,000 घंटे तक जो है वो सफ़र कर सकता है। 2 सीटर भी है और सिंगल सीटर भी है। सिंगल सीटर 6,000 घंटे सफ़र कर सकता है, 6,000 घंटे सफ़र मुसलसल कर सकता है। तो अब उनके पास मसला ये था कि इंडिया इंडिया के पास जो थे वो सारे के दो उनके पास वो तैयारा बरदार जहाज हैं, एक है उनके पास विराट और एक है उनके पास विक्रम। इन दोनों के अंदर वो जो गुलेल होती है, जो रनवे जो होता है, गुलेल नुमा रनवे जो होता है, यानी वो मैग्नेटिसी रनवे होता है, उसको कुपल्ट कहते हैं, वो मौजूद नहीं था, मौजूद नहीं है इनके ऊपर। अब इसमें तो ये तरीका है कि वो जाकर धम से गिर जाए जहाज और वहीं पे बैठ जाए। तो ये इन्होंने फिर कोशिश की है अमेरिका ने, बोइंग ने, और इसमें इसको 3 साल लगे हैं एक्सरसाइज में, और उन्होंने जो एक्सरसाइज करने के बाद में ये दावा किया है कि हमने जो इसका जो जो इंडिया के लिए जो जहाज बनाए हैं वो स्ट्रॉबर उसका नाम इस्तेमाल किया है, या और स्काई जंप इसकी जंप कर लफ्ज इस्तेमाल किया है जी, कि इसकी जंप होगा, वो हेलीकॉप्टर की तरह से उड़ जाएंगे और हेलीकॉप्टर की तरह से वो उतर जाएंगे। तो वो तैयारे इन्होंने बनाए हैं और वो उसके 57 इंडिया को देने जा रहे हैं, यानी वो ये तैयार इन जो जो उनके पास विक्रम है और विराट है उसके ऊपर वो इस्तेमाल हो सकेंगे। अब उसे अंदाज़ा लगा लें कि आप 6,000 अगर अगर 10,000 घंटे तक वो चलेगा तो वो चीन के तमाम हिस्सों में जा सकता है जी। अब चीन का और इंडिया का पाकिस्तान का उसके पास क्या जवाब है ये हमें मालूम नहीं है। तैयारी हो रही होगी, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे जी। जी बड़े साहब, तो तोड़ तो हम भी कर रहे होंगे अभी, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता। देखिए एक बात अपनी जगह पर है कि अमरीकी बैरिया जो है वो उसके बाद की जितनी भी बैरियाँ हैं दुनिया के अंदर 13 बहरियाँ को मिलाकर मजमूई तौर पर जो उनकी ताकत बनती है उससे भी ज़्यादा बड़ी है अमरीकी बहरिया। अमरीकी बहरिया एक जो रूसी बहरिया जो थी वो भी बड़ी होने जा रही थी, लेकिन फिर वो उनका माशी हालत ख़राब होगी, वो उसने अपने ये जो आए हैं दोनों जहाज़ इनके इंडिया के पास जो है वो रूसी जहाज़ हैं, ये रूसी तैयारा बरदार जहाज़ वो उनको बेच रहे हैं, और जिसको भी बता आपको भी चाहें तो ले लें उनसे। तो अब ये जो सुपर हार्डनेट जो मेमोरी के तैयारे इनको मिले मिलने वाले, अभी तो नहीं मिले हैं ये, लगेगा इसमें 2-3 साल लगेंगे इनको मिलने में। तो 2-3 साल हमारे पास वक्त है। हाँ, तो हमारे पास वक्त है, तो और काम पहले से हो रहा होगा। देखिए आप नहीं मालूम नहीं है ये बात, तो अभी उससे पहले जो प्रॉब्लम हमारे पास जो इतलात है वो ये है कि अमरीका हमला इंडिया हम पे हमला करने जा रहा है। अब ये जो कल हमारी परसों मीटिंग हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो वज़ीर आज़म और डीजीआईएसआई हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हुई है, उसमें ये बातें नहीं हुई हैं कि भाई मरियम नवाज़ क्या करी है, तो एक जी छुटभैया काम है, जिस वक्त बिछाएंगे इनको घर में बिठा देंगे। बात जो है वो ये है, और जो फजल रहमान साहब हैं उन्होंने जो है जो 3 बिलियन डॉलर आए हैं जो कि इसराइल से और इंडिया से और अरब ममालिक से जो आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई तहरीक ऐसी नहीं है जो बाहर के पैसों के बगैर चली हो जी। सारे पैसे बाहर से आते हैं और तो तरीके चलती हैं, लेकिन पैसे तो यहाँ होते ही नहीं है ना। नहीं होते है, नहीं है, तो जैसे अब नवाज शरीफ के पास कम पैसे हैं, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी है, पैसे एक पाई खर्च नहीं करता है वो। अब या तो ये हो सकती है कि भाई जैसे कि इसराइल और मिस्र के दरमियान में जब जंग शुरू हुई थी तो सारी स्ट्रेटेजी अमरीका ने ले ली थी। अब या तो ये हो सकता है कि इसराइल ले लें
और अमेरिका ले ले तो फिर हमें नाकाम कर सकते। वो अभी जो हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि अमेरिका इंडिया के पास कोई वार स्ट्रेटजी इस वक्त मौजूद नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर कोई खुफिया है तो हमारे